हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेहा भसीन जो कि सिंगिंग की दुनिया की एक बहुत बड़ी इंडियन पॉप सिंगर हैं, जिनकी सिंगिंग और लुक्स के आज सभी लोग दीवाने हैं, जिन्होंने एक से एक हिट सॉन्ग्स भी दिए हैं। तो आज हम इनके ही लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आपको इनकी फैमिली, इनकी लाइफ स्टोरी, स्ट्रगल और इनके अननोन फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी नेहा भसीन के फैंस हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेहा का रियल नेम है नेहा भसीन और निकनेम है नेहा। बाय प्रोफेशन नेहा एक सिंगर एंड सॉन्ग राइटर हैं। नेहा की डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1982 और 2021 के हिसाब से ये 39 इयर्स की हो चुकी हैं। इनका बर्थ प्लेस है न्यू दिल्ली इन इंडिया और होम टाउन भी इनका न्यू दिल्ली में ही है। जोडियक साइन इनका स्कॉर्पियो है। नेशनलिटी से नेहा इंडियन है। रिलीजन की बात करें तो नेहा सिख धर्म से बिलोंग करती हैं। अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। इनकी हाइट है अप्रोक्स 163 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 4 इंचेस। वेट है अप्रोक्स 58 केजी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। नेहा ने अपनी स्कूलिंग फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से कंप्लीट की है और इन्होंने अपना कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज न्यू दिल्ली इंडिया से कंप्लीट किया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो नेहा ने ग्रेजुएशन किया है। इनकी हॉबीज हैं ट्रैवलिंग एंड प्ले द पियानो। तो चलिए बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में। नेहा ने अपने करियर की स्टार्टिंग अपने एक बैंड से की थी। इन्होंने अपने बॉलीवुड में सिंगिंग डेब्यूट मूवी बुलेट एक धमाका 2015 में किया था और इनकी पहली म्यूजिक एल्बम थी तबा जो 2010 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद नेहा ने बहुत सारे सॉन्ग्स किए हैं, जैसे मेरे बदर की दुल्हन फिल्म में धुन की सॉन्ग। उसके बाद इन्होंने गुंडे फिल्मों में असला में इश्क़ सॉन्ग गाया जो कि इनके कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद इन्होंने सुल्तान मूवी में जग घूमिया सॉन्ग का फीमेल वर्जन गाया जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया और लोग तब से इनके बहुत बड़े फैन भी हो गए। जग घूमिया के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिने अवार्ड और स्टारडस्ट अवार्ड जैसे बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं। इसके बाद इनको एक से एक फिल्मों में गाने का ऑफर भी मिला, जैसे इन्होंने टाइगर जिंदा है मैं दिल दिया गल्ला सॉन्ग प्ले किया था। उसके बाद भी इनको बहुत सारे मूवीज़ में सॉन्ग प्ले करने का मौका मिला, लेकिन अगर अभी हम सारे सॉन्ग्स बताएंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर का नेम है अशोक भसीन। इनकी मदर का नेम है रेखा भसीन जो कि एक सिंगर हैं। आप इनकी फैमिली पिक्चर इमेज में देख सकते हैं। बात करें मैरिटल स्टेटस की तो ये मैरिड हैं। इनके हस्बैंड का नेम है समीर उद्दीन जो कि बाय प्रोफेशन एक म्यूजिक कंपोजर हैं। इनकी मैरिज डेट यानी कि इनकी शादी 23 अक्टूबर 2016 को हुई थी। आप इनकी कुछ वेडिंग पिक्चर्स इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेहा के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। नेहा को बचपन से ही सिंगिंग से काफ़ी लगाव था, इसलिए वो स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन भी जीतती थी। नेहा कम उम्र में ही जानती थी कि कोई भी पॉप स्टार कुछ डांस मूव सीखे बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने डांस मूव सीखने के लिए श्यामक डावर की डांस एकेडमी में एडमिशन लिया। इसके साथ ही इन्होंने उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान से क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग ली। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इनके मनी फैक्टर के बारे में। इनकम की बात करें तो नेहा 8 to 10 lakhs रुपीस पर फिल्म सॉन्ग चार्ज करती हैं। इसके साथ ही ये स्पॉन्सरशिप और अपने यूट्यूब चैनल से भी अर्न करती हैं। बात करें इनकी नेटवर्थ की तो इनकी नेटवर्थ है 10 to 12 million US डॉलर। तो चलिए अब जान लेते हैं इनके कार्स कलेक्शन के बारे में। नेहा के पास है मर्सिडीज बेंज ई क्लास जिसका प्राइस है अप्रोक्स 65 lakhs रुपीस।
दोस्तों, अगर आप भी हैं नेहा भसीन के फैंस तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।